डूंगरपुर जिले में खौफ का साया। आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा बसों पर होता है पथराव। शाम 6 बजे बाद सड़कों पर निकलना मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक सरकारी टीचर की होटल में परोसी जा रही है शराब। बीती रात होटल के करीबी बसों पर हुआ पथराव। कब होगी अवैध होटलों पर कार्यवाही? डूंगरपुर जिले सहित क्षेत्र में भारी पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री डडल्ले से की जा रही है। आबकारी विभाग सरकारी दुकान चलाने में व्यस्त है और शराब माफियाओं द्वारा खुलेआम नगर सहित अंचल में शराब की सप्लाई की जा रही है। आबकारी विभाग की मौन सहमति है या विभाग में कर्मचारियों की कमी है, यह तो भगवान जाने, लेकिन शराबखोरी का यह धंधा अपने चरम पर है, जिसे रोकने में कोई कारगर कदम उठाने तक की जहमत विभाग द्वारा नहीं की गई है। जिले सहित शहर में अवैध शराब की होटलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इन्हें रोकने वाला व पकड़ने वाला कोई नहीं है। गली मोहल्लों में शराबियों के कारण भी महिलाओं का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अवैध शराब बिकने का सिलसिला नगर सहित जिले में जारी है। इसी तरह पूरे डूंगरपुर जिले में शाम को 6 बजे बाद शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शराबी शराब पीने के बाद वाहनों पर पथराव करते हैं। ऐसे में अवैध ढाबों को चिन्हित कर बंद किया जाना चाहिए, ताकि जिले सहित शहर की जनता इस खौफ के साये से बाहर निकल सके। बीती रात को बसों पर हुए पथराव अवैध ढाबे के पास ही हुआ है। यहाँ तक कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसका संचालक प्राइमरी स्कूल का टीचर है।